नमस्कार मित्रों मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त स्वागत है आपका सिद्धि योगा में हमारा आज का अभ्यास इमोशनल टर्मोइल जिसे मन की उथल पुथल भी कहते हैं उसके ऊपर होने वाला है मन कई सारी उलझनों में फंसा रहता है कई तरह की चीजें एक ही साथ में हमारे मस्तिष्क में चलती रहती हैं जिसके कारण से आए दिन हमें चिंता और तनाव स्ट्रेस एंजाइटी जैसी समस्याएं होती हैं और नींद ना आने जैसी हमें समस्याएं होने लगती हैं। मन बार बार घबराता है हाथ पांव फूलने लगते हैं चीजों के प्रति एक्साइटमेंट इतना बढ़ जाता है कि शरीर में कंपन होने लगती है और कई बार तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ने या घटने लगता है तो ऐसे में बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में आए दिन चलती रहती हैं, इसके चलते हुए हमारा मूड भी बदलता रहता है तो इन्हीं सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मैंने आज की इस श्रृंखला का निर्माण किया है जो आपको इस समस्या में लाभ प्रदान करेगी तो चलिए करते हैं अभ्यास की शुरुआत अभ्यास के लिए अपने योग मैट को तैयार कर लें यदि आपके पास योग मैट ना हो तो घर में रखी हुई कोई भी दरी कंबल इत्यादि भी आप प्रयोग में लेके आ सकते हैं तो तैयार करके आराम पूर्वक आपने अपने जो भी आपने चीज़ यहाँ पर तैयार की है उसके ऊपर बैठ जाएंगे तो मेरे पास योग मैट है तो योग मैट पे यहाँ पर आराम पूर्वक बैठ जाना है जो भी सुखात्मक स्थिति आपको लगे इसके बाद आपने ध्यान देना है कि आपके कूले की जो हड्डियां हैं वो जमीन से समान रूप से लगी रहे उसके लिए आपने अपने नितंबों की मांसपेशियों को बाहर की तरफ को खींचना है इस तरह से आप बाहर की तरफ को खींचेंगे तो आपको कूले की हड्डियां नीचे महसूस होंगी तो दोनों हड्डियां समान रूप से जमीन पर लगी रहेंगी मेरुदंड आपका एकदम से सीधा ऊपर को उठा हुआ रहेगा इसके बाद आपने अपने पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है हाथों और कंधों को ढीला छोड़ देना है और फिर धीरे से आंखों को बंद करेंगे आपको ध्यान देना है कि आपका जो सिर का ऊपरी हिस्सा है क्राउन जिसे कहते हैं वो एकदम से ऊपर की तरफ को उठा हुआ रहेगा आंख को बंद करने के बाद अपना ध्यान अपने पूरे शरीर की तरफ लेके जाएंगे अपने पूरे शरीर को आपने नीचे से लेकर के अपने पैरों के तलुओं से लेकर के सिर की चोटी तक महसूस करना है और पूरे शरीर को धीरे धीरे आपने ढीला छोड़ते जाना है बस आपका मेरुदंड जो है वो उठा रहेगा वो सीधा रहेगा बाकी आपके पूरे पैर घुटने टखने कूले का जोड़ इत्यादि जंगहा की मांसपेशियां सब आराम की अवस्था में जाएगी आपके हाथ कंधे कलाई हथेली आराम की अवस्था में जाएंगे आंखें आपकी बंद रहेंगी चेहरे की मांसपेशियां भी एकदम से ढीली रहेंगी आराम की अवस्था में जाएंगी आपको अपनी जिह्वा यानी कि जीप को भी आराम की अवस्था पर लेके जाना है बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें आपका माथा एकदम से आराम की तरफ रहेगा आपका सिर बिल्कुल आराम की अवस्था में बना रहेगा तो इस तरह से आपको पूरे शरीर में ध्यान लेके जाना है और शरीर को आराम की तरफ लेके जाना है फिर धीरे से अपना ध्यान श्वास की तरफ लेके जाएंगे और श्वास को नाक के आगे वाले हिस्से में महसूस करेंगे धीरे से लंबा धीमा गहरा श्वास लेंगे और धीरे से लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ेंगे इस तरह से आपका श्वास और प्रश्वास यानी कि श्वास लेना और छोड़ना चलता रहेगा अपने श्वास में शांति को महसूस करें आनंद को महसूस करें इसके साथ ही महसूस करें कि आपका मस्तिष्क आपका मन सभी बाहरी चीजों से अलग हो करके आपके शरीर और श्वास के साथ जुट गया है और आराम की ओर जा रहा है इस तरह से आपने स्वयं से अपनी स्थिति को महसूस करना है जैसे जैसे जुड़ाव आपका मजबूत होने लग जाए फिर आपने धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलना है तो यहां से आपकी तैयारी हो चुकी है योगाभ्यास की हमारा पहला अभ्यास है प्रारंभिक श्वसन क्रिया का प्रकार इस प्रकार में हम लोग श्वास को नाक के द्वारा लेते हैं और श्वास को बाहर मुंह के द्वारा छोड़ते हैं मैं अभ्यास को एक बार दिखला देता हूं और फिर आप अभ्यास को मेरे साथ दोहरा सकते हैं तो अभ्यास कुछ इस तरह से दिखता है कि आपकी जो बीच वाली उंगली है वो एक दूसरे से आके मिलती है मेरुदंड एकदम से सीधा रहेगा और उसके बाद आपको हाथों और कंधों को एकदम से ढीला रखना है फिर यहां से श्वास को भरते हुए हथेली को ऊपर उठाते हैं श्वास पूरा अंदर आने के बाद हथेली को आपने नीचे की तरफ करना है और लंबा सा श्वास मुंह के द्वारा बाहर छोड़ना है इस तरह से मुंह को आप छोटा बना करके लंबा श्वास दो तीन बार छोड़ते हैं और फिर बाद में गले से श्वास छोड़ते हैं। गले से किस तरह से छोड़ते हैं वो भी आपको दिखलाता हूं श्वास ली और श्वास छोड़े इस तरह से हम लोग गले के द्वारा श्वास को बाहर छोड़ते हैं ये श्वास कुछ इस तरह से है कि जैसे हम लोग एक शीशे पे शीशे के पास जाकर के सर्दियों में हम लोग क्या करते हैं आ, ऐसे करके हम लोग उस शीशे को आ, अपने मुंह के धुएं से गीला करने का प्रयास करते हैं इसमें उसमें धुंध आ जाती है बस वही प्रक्रिया यहाँ पर आप करते हैं वहां पर आपकी श्वास बहुत छोटी होती है और यहाँ पे लंबी धीमी गहरी होती है तो चलिए अभ्यास को साथ में शुरू करेंगे और इसका अनुभव करके लाभ को प्राप्त करेंगे तो स्थिति आपकी बैठने वाली जैसे आपको बताई थी कि आसान होनी चाहिए मेरुदंड सीधा रहे अभ्यास के दौरान अब अपनी बीच वाली उंगली को मिला लें कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें हाथों को भी ढीला छोड़ें अब यहां से धीरे से आंखों को बंद कर लें श्वास की तरफ ध्यान ले जाते हुए लंबा धीमा गहरा श्वास अंदर भरेंगे और हथेलियों को धीरे धीरे ऊपर लेके आएंगे अपने नाभि वाले प्रदेश से महसूस करेंगे कि आपकी अंदर की शक्तियां ऊपर की तरफ उठ रही हैं जब आप श्वास को भर रहे हैं और ये शक्तियां आपके पूरे शरीर को पोषण दे रही हैं और शरीर के अंदर की मन के अंदर की गंदगी को इकट्ठा कर रही हैं अब लंबा सा श्वास हम लोग मुंह के द्वारा छोड़ते हुए इस गंदगी को बाहर निकालेंगे बहुत अच्छे दोबारा से यही श्वास लेंगे लंबा धीमा गहरा श्वास लें श्वास को मुख से छोड़ें इसी प्रक्रिया को दो बार और दोहराएंगे श्वास को नाक से भरें श्वास को मुख से छोड़ें एक बार और श्वास को लंबा धीमा गहरा भरें श्वास को मुख से छोड़ें बहुत अच्छे अब यहां पर जैसे कि मैंने आपको पहले बतलाया था कि अब जो श्वास छोड़ेंगे वो गले से छोड़ेंगे हालांकि मुख के द्वारा श्वास बाहर आ रही है पर हम छोड़ कहां से रहे हैं? गले से किस तरह से छोड़ रहे हैं? जैसे कि हम लोग किसी शीशे पे मुंह से हवा छोड़ते हैं सर्दियों में उसमें धुंध लाने के लिए उसी तरह से हम लोग यहां पर श्वास छोड़ेंगे चलिए साथ में करते हैं लंबा धीमा गहरा श्वास भरें नाक के द्वारा और मुख से अपने अंदर की सारी चिंता तनाव को बाहर निकाल दें बहुत अच्छे चलिए दोबारा से लंबा गहरा श्वास लें फिर से अपने अंदर की चिंता तनाव को बाहर निकाल दें दोबारा और करेंगे श्वास को भरेंगे शरीर के अंदर पोषण लेके आएंगे मन के अंदर पोषण लेके आएंगे आप लंबा श्वास छोड़ते हुए अपने अंदर की नकारात्मकता को बाहर निकालेंगे एक बार और करेंगे लंबा धीमा गहरा श्वास भरें और अपने अंदर आनंद को महसूस करेंगे आप अपने अंदर जमा इस जन्म की और पूर्व जन्म की जितनी भी गंदगी हैं उन्हें बाहर निकालेंगे मुख्य द्वारा बहुत अच्छे अब हाथों को जंघाओं के ऊपर रख दें कुछ क्षण आंखों को बंद रखें श्वास और प्रश्वास की सामान्य स्थिति में आ जाएं, परंतु अपना ध्यान श्वास के प्रति बनाए रखें इस अभ्यास से मिलने वाले लाभ को अपने अंतकरण में महसूस करें अब धीरे से आंखों को खोलेंगे चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले अभ्यास की ओर जिसको हम लोग कहते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम क्योंकि तो नाड़ी शोधन प्राणायाम का ही एक प्रकार है तो अनुमलोम प्राणायाम के लिए आपने अपने अंगूठे से दाइनी नाक को बंद करना है आंखें बंद रहेगी मेरुदंड सीधा रहेगा यहां से आप चाहें तो इस अभ्यास को मेरे साथ में दोहरा सकते हैं लंबा धीमा गहरा श्वास आप बाई नाक से अंदर को लेंगे जब आपने दाई नाक को बंद किया है तो बाई नाक से श्वास ले रहे हैं श्वास अंदर आने के बाद अपनी बाई नाक को बंद कर दें और दाई नाक से लंबा धीमा गहरा श्वास बाहर निकाल दें बहुत अच्छे अब दाइनी नाक से श्वास अंदर लेंगे और बाई नाक से लंबा धीमा गहरा श्वास बाहर निकालेंगे दोबारा से लंबा धीमा गहरा श्वास बाई नाक से, से लें और श्वास को दाइनी नाक से बाहर निकाल देंगे एक बार और इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे बाई नाक से श्वास लें अब बाई नाक को बंद करके दाइनी नाक से श्वास छोड़ें फिर दाइनी नाक से श्वास लें और बाई नाक से श्वास को बाहर निकालें अब यहां से यदि हो सके तो वापस से श्वास भरें पहले फिर दोनों नाक को बंद करके कुछ क्षण श्वास को रोके रखें अब धीरे से लंबा धीमा गहरा श्वास बाहर निकालेंगे और फिर दाईं नाक से श्वास लें, श्वास को दोनों नाक बंद करके श्वास को कुछ क्षण रोकेंगे और फिर लंबा धीमा गहरा श्वास बाई नाक से बाहर निकालेंगे बहुत अच्छे अब धीरे से अपने हाथों को नीचे रख लें आंखों को यहां भी कुछ क्षण तक बंद रखना है ताकि स्थिति का आनंद ले सकें और अभ्यास के लाभ को महसूस कर सकें अब धीरे से अपनी आंखों को खोल लें तो यहां तक था हमारा प्राणायाम का अभ्यास अब यहां से बढ़ते हैं हम लोग आसनों की ओर आसन में हमारे जो सबसे पहली जो पहला जो आसन है हमारी सूची का वो है बालासन। बालासन की स्थिति के लिए आपको पैरों के अंगूठे को पीछे से मिलाना है और घुटने को आगे से फैला लेना है फिर यहां से सामने की तरफ देखते हुए श्वास को भरना है श्वास को छोड़ते हुए हथेलियों को जमीन की ओर ले आते हुए इन्हें आगे की तरफ खींचना है और इसके साथ ही मेरुदंड में भी अच्छा सा खिंचाव लाते हुए हृदय को नीचे लेके जाएंगे और अंत में सिर को भी नीचे रख लेंगे इस तरह से स्थिति बनाएंगे स्थिति में आकर के रुकें श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा कुछ क्षण तक इसी स्थिति में रुक करके अभ्यास का आनंद लें और इससे पूर्व में जो आपने अभ्यास किए हैं उनके भी लाभों को आप यहां पर रुक करके अनुभव कर सकते हैं अब श्वास को भरते हुए धीरे धीरे सिर को उठाएंगे हथेलियों पेदबाव बनाते हुए तिलियों के सहारे ऊपर की तरफ को आ जाएंगे फिर घुटनों को मिला लें मेरुदंड को सीधा करते हुए इस तरह से बैठ जाएंगे फिर यहाँ पर हमारे घुटने मिले हुए हैं पैरों की स्थिति वैसे ही है जैसे पहले थी अब यहां से हम हाथों को पीछे लेके जाएंगे उंगलियों को बांधेंगे श्वास को भरते हुए हृदय को ऊपर को उठाएंगे और हाथों को नीचे खींचते जाएंगे हृदय को जितना हो सकता है ऊपर की ओर को फैलाएं सिर को भी उठाएं अच्छा सा खिंचाव अपने हृदय पे लेके आएं ये खिंचाव आपके हृदय के साथ साथ सांस पेट की तरफ भी आता है अब यहां से श्वास को छोड़ते हुए सामने को देखेंगे हाथों और कंधों को ढीला छोड़ दें अब उंगलियों को खोल लें उंगलियों को हम लोग हाथों को सामने ला करके बांधेंगे फिर हथेलियों को सामने की तरफ पलट दें कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे और नीचे ले आए फिर यहां से श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे ध्यान देना है आपने दोस्तों कि उंगलियों को नहीं खींचना है आपने यहां पे आपने हाथ को खींचना है कलाई की तरफ तो अच्छा सा खिंचाव अपने हाथों पे लेके आए उंगलियों को ढीला रखें कंधों को नीचे की तरफ लेके आए इस तरह से आपने अच्छा सा खिंचाओ हाथों और कंधों की तरफ लेके आना है श्वास प्रश्वास आपका चलता रहेगा अब हम लोग धीरे से हाथों को नीचे लेके आ जाएंगे हाथों को जंगाओं के ऊपर दें कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे नीचे लेके आ जाएं और ढीला छोड़ दें फिर यहां से हम लोग सिर को घुमाएंगे चक्र की भांति एक दिशा में फिर दूसरी दिशा में फिर यहां पर श्वास लें श्वास को छोड़ते हुए सिर को आगे की तरफ झुकाएं फिर यहां से श्वास को भरते हुए सिर को बाई तरफ से ऊपर को लेके जाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए दाहिनी तरफ से नीचे की ओर लेके आएंगे दोबारा से करेंगे श्वास को भरते हुए बाई तरफ से ऊपर श्वास को छोड़ते हुए दाहिनी तरफ से नीचे एक बार और श्वास को भरते हुए ऊपर श्वास को छोड़ते हुए नीचे चलिए विपरीत दिशा की ओर करेंगे श्वास को भरते हुए दाहिनी तरफ से ऊपर लेके जाएंगे श्वास को छोड़ते हुए बाएं तरफ से नीचे लेके आएंगे फिर से करेंगे श्वास को भरते हुए दाहिनी ओर से ऊपर लेके जाएंगे श्वास को छोड़ते हुए बाएं तरफ से नीचे लेके आएंगे एक बार और श्वास भरें और श्वास छोड़ें बहुत अच्छे धीरे से सिर को उठा लें फिर यहां से हम लोग पैरों को सामने की तरफ खोल करके बैठ जाएंगे खोलने के बाद आपने अपने पैरों को अच्छे से हिला लेना है ताकि आपके जोड़ में किसी भी तरह का दर्द और दबाव ना रहे अब यहां से हम लोग कोणासन की स्थिति में जाएंगे और फिर वहां से तितली आसन का अभ्यास करेंगे बद्ध बद्धपूर्ण आसन की स्थिति के लिए आपने अपने दाएं या बाएं किसी भी पांव के पंजे को बाहर की तरफ को पलट देना है और उसके बाद पंजे को अपनी तरफ को सरकाना है घुटना आपका बाहर की तरफ को जाएगा और पंजा आपकी तरफ को सरकेगा फिर यही प्रक्रिया आपने अपने दूसरे पैर से भी करनी है इसका पंजा भी बाहर को पलटा दें और फिर इसे सरकाते हुए अंदर की तरफ लेके आए दोनों पैरों के तलवों को आपने मिलाना है उंगलियों को बांधें और हथेली को अपने पंजों के नीचे पर रखें पंजों से तितली पर दबाव बनाए और मेरुदंड को ऊपर की तरफ को उठाए तो इस तरह से ये आपकी कोण आसन की स्थिति बनी यहां से हम लोग तितली आसन करने जा रहे हैं तितली के लिए आपको बस अपने घुटनों को ऊपर नीचे इस तरह से तितली के पंख की भांति ऊपर नीचे करना है फटफड़ाना है श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा स्थिति का आनंद लें हमारा ये जो आसन है ये आसन आपकी दबे हुए इमोशंस को रिलीज़ करता है बहुत सारी हमारी पास्ट की हमारे भूतकाल की घटनाएं होती हैं जो समय समय पर हमें चिंता और तनाव से ग्रसित कर देती हैं और मन को विचलित रखती हैं तो ये अभ्यास जो है ये अभ्यास उन चिंता तनाव और दबे हुए इमोशंस को बाहर निकालता है शरीर से ताकि आपको नींद अच्छी आ सके किसी भी तरह का चिंता तनाव आपके जीवन में ना हो तो इस अभ्यास को अच्छे से कर लें बहुत अच्छे अब फिर इस अभ्यास के बाद आपने अपने दाहिने पैर को सीधा कर लेना है और बाएं पंजे को दाहिनी जंगा के अंदर पर टिकाना है तो यह स्थिति है आपकी जानू शीर्षासन की जानू शीर्षासन में आगे बढ़ने के लिए आपने ध्यान देना है कि आपका दाया पांव एकदम से सीधा रहे और सक्रिय बना रहे ढीला नहीं रखना है आपने इसको सीधा रखना है और सक्रिय करके रखना है मजबूती बनानी है फिर श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे श्वास को छोड़ते हुए धीरे से आगे की तरफ झुकेंगे पैर को आगे की तरफ से पकड़ने का प्रयास करें यदि नहीं पकड़ सकते हैं तो कोई रस्सी चुन्नी इत्यादि भी आप प्रयोग में लेके आ सकते हैं पैर को फंसाने के लिए अब यहां से हम लोग श्वास को भरते हुए हृदय को ऊपर उठाएंगे जितना उठा सकते हैं अपने चेस्ट को अपने हृदय को ऊपर की तरफ को लिफ्ट करेंगे पेट को भी ऊपर को उठाने का प्रयास करें और फिर धीरे धीरे पेट को उठा करके जंग के पास में लेके आते हैं अब यदि यहां से आप और नीचे जा सकते हैं तो फिर आपने हृदय को घुटने के पास में लेके आना है और अंत में अपने नीचे लंबी हड्डी जो है आपके पाओं की शिमन बोन उसकी तरफ माथा लेके जाएंगे यदि आपका अभ्यास इस तरह से नहीं हो सकता है आप सिर्फ आधा ही जा पा रहे हैं तो आधी स्थिति में रुकें, सिर को उठा लें कंधों को नीचे लेके आए और मेरुदंड को जितना हो सकता है सीधा रखने का प्रयास करेंगे बहुत सुंदर आप यहां से श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे श्वास को छोड़ते हुए हाथों को बगल से नीचे लेके आना है अब हम लोग पैरों को बदल देंगे बाया पांव सीधा और फिर दाएं पांव को मोड़ते हुए अंदर को लाना है बाएं जंगा के अंदर से इस पैर को लगाना है आपकी कूले की हड्डियां समान रूप से जमीन पर लगी रहेंगी श्वास को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर अपने बाएं पांव पर ध्यान देंगे ये एकदम से सीधा रहेगा और सजग रहेगा सक्रिय रहेगा श्वास को छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे पांव को फिर से पकड़ लें यदि नहीं पकड़ सकते हैं तो जो प्रयोग आपने पहले किया था रस्सी चुन्नी इत्यादि का उसका प्रयोग आप यहां पर कर सकते हैं यदि आप ज्यादा लचीले हैं तो आप पैर के आगे पे अपनी कलाई को पकड़ सकते हैं फिर से ध्यान देंगे कि पांव जितना हो सके सीधा रखने का प्रयास करें यदि नहीं हो पाता है किसी कारणवश तो आप घुटने को भी मोड़ सकते हैं घुटना सीधा रहता है तो आपका जो लाभ है वो बढ़ जाता है घुटना मोड़ने पर किसी भी तरह का आपको नुकसान नहीं होता बस इतना है कि कुछ लाभ आपके कम हो जाते हैं चलिए श्वास को बढ़ते हुए सामने को देखेंगे कंधों को नीचे लेके आएंगे हृदय को जितना हो सकता है ऊपर को उठाएंगे श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुकते चले जाएंगे इसमें हमारा पेट हमारी जंग के पास में आएगा हृदय हमारी घुटने के पास में आएगा और सिर आगे की बड़ी वाली हड्डी के पास में आएगा अब यहां से श्वास को भरते हुए धीरे से सिर को उठाए पैर को छोड़ दें और हाथों को ऊपर लेके आ जाए श्वास को छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेके आ जाए आप दोनों पैरों को सीधा कर लें और इन्हें अच्छे से हिला लें यहां से हम लोग जा रहे हैं श्वानासन की स्थिति में अधोमुख श्वानासन से हमारा अब जो अभ्यास है वो थोड़ा सा फ्लो में होने लगेगा कि हम लोग एक आसन की स्थिति से दूसरी आसन में गत्यात्मक रूप से प्रवेश करेंगे तो उसके लिए पहले हम लोग अधोमुख श्वानासन की स्थिति में आ जाते हैं अधोमुख श्वानासन के लिए आपकी हथेलियां योग मैट के समानांतर पर रहेगी और आपने पंजों को दबाते हुए घुटनों को ऊपर को उठाना है कूले को ऊपर को उठाना है तो ये स्थिति आपकी अधोमुख श्वानासन की बनती है हाथ से अच्छा सा दबाव बनाए ताकि शरीर का वजन पैरों की तरफ जाए पैर कूले के समानांतर पर ही बने रहेंगे स्थिति को बनाए रखें अब यहां से श्वास को भरते हुए पूरे शरीर को लंबवत अवस्था में सीधा करना है उत्थित चतुरंग दंडासन की स्थिति है सामने को सिर को उठा के देखेंगे अब श्वास को छोड़ते हुए घुटना हृदय और ठोंडी को जमीन की ओर लेके जाएंगे ये हमारी स्थिति है अष्टांग नमस्कार की फिर यहां से पंजों को पीछे की तरफ खोलें, कूले को घुमाते हुए जमीन पर दबाए श्वास को बढ़ते हुए हथेलियों पर दबाव बनाए और हृदय को ऊपर को उठाए यह स्थिति है हमारी भुजंगासन की अब भुजंगासन की स्थिति के बाद आपने हृदय को हल्का सा नीचे लेके जाना है हथेलियों से दबाव बनाएंगे और धीरे धीरे वापस से आपने अपने कूलों को ऊपर उठा लेना है और अधोमुख श्वानासन की स्थिति पे चले जाना है चलिए दोबारा से इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे श्वास बढ़ते हुए पूरे शरीर को सीधा करना है श्वास को छोड़ते हुए घुटना चेस्ट यानी कि आपका हृदय और थोड़ी जमीन की तरफ जाएगी फिर श्वास को बढ़ते हुए पंजे को खोलें, कूले को गोल घुमाते हुए जमीन की ओर लेके जाएं और उससे दबाएं, हथेलियों को दबाएं और हृदय को ऊपर को उठाएंगे जंगा की स्थिति में आएंगे अब यहां से हृदय को हल्का सा नीचे लेके जाए फिर हाथों से दबाव बनाए कूलों को ऊपर उठाएं श्वास को छोड़ें अधोमुख श्वानासन की स्थिति में बहुत सुंदर अब यहां से आपने दाएं पांव को हल्का सा ऊपर की तरफ उठाना है श्वास को भरेंगे, को भरेंगे घुटने मोड़ेंगे और दाएं पांव को उठा करके आगे की तरफ लेके आएंगे श्वास को छोड़ देंगे फिर पीछे वाले पंजे की तरफ ध्यान देंगे पीछे वाले पंजे को आपने अंदर की तरफ पलटा देना है यह स्थिति हमारी वीरभद्रासन दो के पैरों की बनी आगे वाले पाओं की एड़ी आपके पीछे वाले पाँव के बीच की सीध में रहती है ये जो बीच होता है हमारे पाओं का ये हमारे पाओं का अंदर का हिस्सा जिसे हम इनर आर्च कहते हैं और इसका जो मध्य का हिस्सा जो बीच का हिस्सा इसकी यहाँ पर सीध में ये एड़ी आपकी आ जाएगी फिर यहां से आपने सामने को देखना है श्वास को भरते हुए आगे वाले पाओं पर दबाव बनाए और शरीर को ऊपर उठाएंगे जब शरीर को ऊपर उठाएंगे तो हाथों को नीचे की तरफ से उठाते हुए कंधे की सीध में लेके आ जाएंगे इस तरह से आपकी वीरभद्रासन की स्थिति बनी हाथों को एक बार अच्छे से दोनों तरफ देख लें ताकि आपके हाथ कंधे के समानांतर पर बने रहे इस का आनंद लें ये वाला जो हमारा आसन है ये हमारे कूले के जोड़ को खोलता है और ये वाला जोड़ के साथ साथ जो निचला हिस्सा हमारे शरीर का होता है जैसे कि हमारा मूलाधार चक्र स्वादिष्ठान चक्र और मणिपूरक चक्र इन चक्रों का ये जागरण करता है जो हमारा दूसरा चक्र होता है और ये वाला जो हिस्सा होता है ये हमारे इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ होता है तो हमारे जो दबे छिपे हुए जो इमोशंस हैं ये अभ्यास उनको बाहर निकालता है तो स्थिति में बने रहें स्थिति का आनंद लें फिर यहां से श्वास को भरते हुए हाथों को नीचे की तरफ लेके जाएंगे और दाइने पैर को पीछे की ओर लेके जाएंगे अब यहां से पाओ को बदल देंगे श्वास को भरते हुए बाएं पैर को आगे की तरफ लेके आए फिर दाहिने पैर को अंदर की तरफ पलट दें फिर से ध्यान देंगे कि आपके आगे वाले पाओ की एड़ी पीछे वाले पाओं के बीच की सीध में बनी रहेगी फिर यहां से सिर को उठा करके सामने की तरफ देखें आगे वाले पंजे पर दबाव बनाए श्वास को भरते हुए अपने दाएं हाथ को नीचे से ऊपर को उठाएंगे बाएं हाथ को भी उठाएंगे कंधे की सीध में लेके आएंगे दोनों हाथों को एक बार देख लें कि आपके हाथ कंधे की सीध में है कि नहीं स्थिति को बनने के बाद सामने एक टक एक बिंदु पे अपना ध्यान केंद्रित करेंगे श्वास प्रश्वास आपका चलता रहेगा अब यहां से आपने श्वास को भरना है और हाथों को वापस से जमीन की तरफ लेके जाएंगे श्वास को छोड़ते हुए आगे वाले पांव को पीछे वापस से हम अधोमुख श्वान आसन की स्थिति में आ जाते हैं फिर से यहां से श्वास को भरते हुए शरीर को पूरा सीधा करेंगे सामने को देखेंगे श्वास को छोड़ते हुए घुटना हृदय और थोड़ी को जमीन की ओर लेके जाएंगे फिर श्वास को भरते हुए पंजे को खोलेंगे कूले को गोल घुमाते हुए जमीन से लगाएंगे हथेली से दबाव बनाएंगे और हृदय को उठाएंगे भुजंगासन की स्थिति में आएंगे अब यहां से हृदय को हल्का सा नीचे लेके जाएं और हथेलियों पर दबाव बनाएं कूले को जितना हो सकता है ऊपर को उठाएंगे वापस से अधोमुख श्वान की स्थिति में आएंगे श्वास को छोड़ेंगे अब श्वास को भरते हुए वापस से पांव को उठाएं श्वास को छोड़ते हुए दाएं पांव को आगे लेके आए तो दाएं को पांव को उठाना है और आगे लेके जाना है फिर वापस से जैसे हमने पहले किया था आपने बाएं पैर के पंजे को अंदर को पलट देना है और एड़ी की सीध बनानी जैसे हमने पहले बनाए थे कि आगे वाले पाओं की एडी पीछे वाले पाओं के बीच की सीध में आएगी फिर सामने को देखेंगे श्वास को भरते हुए वापस से हमारे हाथ वीर भद्रासन दो की स्थिति पर आएंगे और श्वास को छोड़ते हुए हाथ पीछे कमर के पीछे आएंगे और अंगलियों को बांधना है कमर के पीछे पे हाथों पे खिंचाव दें हृदय को जितना हो सकता है ऊपर को उठाएं श्वास को भरें श्वास को छोड़ते हुए आगे वाले पाओं की तरफ आपने झुक जाना है इस तरह से आप झुक जाएंगे आप चाहें तो जंगा के ऊपर अपना पेट को रख दें और सिर को हल्का सा नीचे लेके जाए और यदि आपके पैरों में मजबूती है तो अपने पूरे शरीर को नीचे तक लेके जा सकते हैं इस अभ्यास को करने के लिए आपको मजबूती और लचीलेपन की जरूरत पड़ती है आप यहां पर भी रुक सकते हैं यहां पर आपको कम लचीलेपन की जरूरत पड़ेगी ज्यादा मजबूती की, की जरूरत पड़ेगी वापस आने के लिए आगे वाले पाव पर दबाव बनाए श्वास को भरते ऊपर को आए हाथों को खोल दें और श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे आ जाएंगे फिर से श्वास भरेंगे आगे वाला पांव पीछे और श्वास को छोड़ते हुए कूलों को ऊपर उठाएंगे चलिए पैर बदलते हैं श्वास को भरें और बाएं पैर को उठा करके आगे की तरफ लेके आए दाहिने पैर के पंजे को अंदर की तरफ पलट देंगे ध्यान देंगे वापस से आगे वाले पांव की एड़ी पीछे वाले पाओं की बीच की सीध में फिर यहां से श्वास को भरते हुए हाथों को वापस से वीरभद्रासन दो की स्थिति में लाएंगे श्वास को छोड़ते हुए हाथ पीछे को श्वास को भरते हुए हाथों को खींचे हृदय को उठाएं, श्वास को छोड़ते हुए आगे वाले पांव की तरफ झुक जाएंगे बहुत अच्छे अब श्वास को भरते हुए आगे वाले पंजे पर दबाव बनाए धीरे धीरे उठे उंगलियों को खोल दें वापस से वीर भद्रासन दो की स्थिति पे, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे श्वास को भरें आगे वाले पांव को पीछे लेके जाएं श्वास को छोड़ते हुए फूलों को उठाएं वापस से श्वास को भरें पूरे शरीर को आगे की तरफ लेके जाएं और सीधा करेंगे उच्च चतुरंग दंडासन की स्थिति में श्वास को छोड़ते हुए घुटना हृदय और थोड़ी जमीन की तरफ जाएगी अपना पूरा समय ले स्थिति में आने के लिए धीरे धीरे एक स्थिति से दूसरी स्थिति पे जाएं अब श्वास को भरते हुए पंजों को पीछे खोलेंगे कूलों को नीचे की तरफ दबाएंगे और हथेली से दबाव बनाते हुए हृदय को ऊपर उठाएंगे भुजंगासन की स्थिति में आएंगे श्वास को छोड़ते हुए वापस से कूलों को ऊपर उठाएंगे हम लोग यहां पे एक पादराज कपोतासन की स्थिति पे जा रहे हैं श्वास को भरते हुए दाएं पाओं को ऊपर उठाएं घुटने को मोड़ें घुटने को मोड़े रखें और घुटने को अपने दाएं हथेली के पास पे लेके आएंगे इस तरह से आपकी अवस्था बनेगी पीछे वाले पाओ के घुटने को जमीन पर रख दें पंजे को पीछे की तरफ खींचते हुए खोल दें तो यहां पर अवस्था इस तरह से बनने के बाद यदि आपके घुटने में लचीलापन है तो आगे वाले पाओ के पंजे को थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ लेके आए और फिर आपने ये वाला जो है आपका हिस्सा है इसको आगे की तरफ घुमाना है इस तरफ से आपको अपनी बाई जगह पर इंटरनल रोटेशन देना है आपके जो फीमर है जो हड्डी होती है की उसको अंदर की तरफ को घुमाएंगे इंटरनल रोटेशन होगा यहाँ पर आप सामने को देखेंगे श्वास को भरेंगे पीठ को उठाएंगे श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को आगे लेके जाएंगे और झुक जाएंगे कुछ क्षण यहां पे रुकेंगे आराम पूर्वक श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा अब धीरे से सिर को उठाएंगे श्वास को भरते हुए हथेली को अंदर की तरफ लेके जाएं हथेली से दबाव बनाते हुए आगे वाले को पीछे लेके जाएंगे श्वास को छोड़ देंगे चलिए दूसरे से करते हैं बाएं श्वास भरें, को को श्वास घुटने मोड़े फिर बाएं घुटने को हथेली के पास पे लेके आएंगे धीरे से दाहिने घुटने को नीचे पंजे को पीछे की तरफ खोल दें बहुत सुंदर अब यहां से आपने जैसे हमने पहले किया था कि आपने कोशिश करना है कि बाएं पंजे को आगे लाने का तो बाएं पंजे को थोड़ा थोड़ा आगे लाना है बहुत ज्यादा आगे नहीं आता है। ये थोड़ा थोड़ा आपको आगे लेके आना होता है और पीछे वाले पाओं को वापस से अंदर की तरफ को घुमाना है जो पीछे वाले पाओं की आपकी जंगहा है उसे अंदर की तरफ यानी कि आपने फीमर को इंटरनल रोटेशन देना है फिर यहां से श्वास को भरते हुए मेरुदंड को ऊपर उठाते हैं श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को आगे ले जाते हुए अपने जंगा के ऊपर शरीर का वजन डालते हुए झुक जाते हैं तो इस तरह से हमारी एक पाद राज कपोता ये एक प्रकार है उसका और इसकी स्थिति बनाई हमने अब यहां पे श्वास को भरते हुए धीरे सिर को उठाएंगे फिर हथेली को भी धीरे धीरे अंदर की तरफ लेके आए हथेली से दबाव बनाएं और श्वास को अंदर रखें या फिर दोबारा से श्वास भर लें और पाओ को पीछे लेके जाए पीछे जाने के बाद श्वास को छोड़ते हुए हथेली से दबाव बनाते हुए शरीर का वजन पैरों की तरफ लेके जाएंगे अब यहां पर सिर को उठा लें श्वास को भरते हुए छोटे छोटे कदमों से आपने अपनी हथेली की तरफ चल करके आना है जितना आप आ सकते हैं आराम पूर्वक। आप चाहें तो घुटनों को मोड़ लें और एक बार अपने पंजों पे आपको वजन लगने लगे तो धीरे धीरे आपने हथेली को योग मैट से ऊपर उठा लेना है अपने बाह के ऊपरी हिस्से को यानी कि बाइसेप्स को आपने पकड़ लेना है अब यहाँ पे प्रयास करें कि घुटने को सीधा कर पाए और कूलों को जितना हो सकता है ऊपर की तरफ को उठाएंगे फिर आपने अपने सिर गर्दन हाथ और कंधों को ढीला छोड़ देना एकदम से ढीला छोड़ दे जितना ढीला छोड़ सकते हैं छोड़ें पैरों को मजबूती से जमाए रखें खासकर आपके पैरों के तलवे जमीन पर मजबूती से बने रहेंगे अब यहां पर अपने अपने ऊपरी शरीर को दाएं से बाएं बाएं से दाएं हिलाना है एक झूले की तरह बहुत सुंदर कुछ क्षण के बाद बीच में आ जाएंगे और फिर धीरे धीरे हाथों को नीचे लेके जाएंगे हल्का सा घुटनों को मोड़ते हुए थोड़ा थोड़ा पैरों को पीछे लेके जाएंगे और फिर घुटनों को नीचे जमीन पे ला करके टिका देंगे पंजों को पीछे की तरफ हम लोग खोलते हैं और फिर धीरे धीरे उठ करके इस तरह से स्थिति पर आ जाते हैं घुटनों के बल। तो हम लोग को घुटनों के बल आना है और हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं ऊष्टासन का अभ्यास आपके घुटने आगे से जब आप देखेंगे कूल्हे के समानांतर पे हैं पीछे से भी ये कूल्हे के समानांतर पे ही रहेंगे पंजों को खिंचाव देना है और दबाना है जमीन की तरफ कूलो को भी गोल घुमाते हुए अंदर की तरफ को रखना है जो आपका, जो आपका कूले वाला जो हिस्सा है इसमें आपने हिप पे आपने रोटेशन देना है ये रोटेशन कैसा है पीछे से नीचे की तरफ को जा रहा है इस तरह से घुमाना है फिर यहाँ पर आपने हाथों को भी कमर पर रखना है ताकि ये रोटेशन आपका बना रहे जो आपने इन्हें कूलों को नीचे की तरफ घुमाया है ये स्थिति आपकी बनी रहे फिर यहां से बगल से आपने मेरुदंड को ऊपर की तरफ को उठाना खींचना मेरुदंड को जितना खींच सकते हैं ऊपर को खींचेंगे 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 हृदय को ऊपर उठाएंगे श्वास को भरते हुए धीरे 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 पीछे की तरफ जाएंगे इतना आप जा सकते हैं बहुत पीछे आपको नहीं जाना है इस तरह से ना करके आपको अपने स्थिति को जितना हो सके सीधा रखेंगे यहां तक जो स्थिति है आपकी ये सीधी या हल्की सी आगे को होती है पीछे की तरफ ना जाए और फिर ये वाला जो हिस्सा है ये ऊपर की तरफ को उठता है मेरुदंड जो पूरा है आपका ऊपर को उठेगा हृदय ऊपर को आएगा बहुत सुंदर अब यहां से धीरे धीरे सामने की तरफ सिर को लेके जाएंगे और धीरे धीरे कूलों को एडियों के ऊपर लेके आ जाएंगे अपने घुटनों को मिला लें हमारी स्थिति है वज्रासन की यहां से हम लोग करने जा रहे हैं शशांक आसन शंक आसन के लिए आपके हाथ आपके पैरों के बगल पर रहेंगे श्वास को भरेंगे सामने को देखेंगे शरीर को सीधा रखें श्वास को छोड़ते हुए शरीर को आगे की तरफ झुकाएंगे और माथे वाले हिस्से को योग मैट पे लगा देंगे फिर यहाँ पर हथेली को अच्छे से जमीन पर रख लें हथेली से दबाव बनाएं श्वास को भरते हुए कूलों को ऊपर की तरफ को उठाएंगे सिर को जमीन से नहीं उठाना है सिर को जमीन से लगा के रखना है ताकि अंत में आपका सिर का जो ऊपरी हिस्सा है जिसे हम क्राउन कहते हैं वो आपका योग मैट पे आकर के रुक जाएगा तो स्थिति कुछ इस तरह से बनेगी तो यहाँ पर रुकने के बाद आपने अपने हाथों को पीछे की तरफ लेके जाना है और पीछे से जो आपकी मांसपेशी है काफ मसल और या फिर टखना इन दोनों में से किसी को भी आप पकड़ सकते हैं और मेरुदंड के मध्य वाले हिस्से को जितना सकता है ऊपर को उठाएंगे अब यहाँ से धीरे 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 अपने कूलों को वापस नीचे लेके आ जाएंगे हथेली को जमीन की तरफ लेके आए श्वास भरे हथेली से दबाव बनाते हुए धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे चलिए हम लोग चलते हैं हमारे अभ्यास के अगले छोर की तरफ इसके लिए आपने अपने पैरों को सामने की तरफ लेके आना है इस तरह से से और फिर पीठ के बल लेट जाना है पीठ के बल लेटने के बाद हम लोग सर्वांगासन की स्थिति की तैयारी कर रहे हैं आप अभ्यास को मेरे साथ एक बार देख लें कि मैं किस तरह से कर रहा हूं और फिर इस वीडियो को दोबारा से चला करके या इस हिस्से को दोबारा से आप चला करके सर्वांगासन मेरे साथ दौरा सक तो सर्वांगासन की स्थिति के लिए आपने हाथों को अपने शरीर के बगल पे योग मैट पर रखना है यहां से हथेली पे दबाव बनाते हुए श्वास को बढ़ते हुए पैरों को ऊपर उठाएंगे इस तरह से फिर उंगलियों को बांधेंगे और हाथ को खींचेंगे देखेंगे दोस्तों जहां भी आप उंगलियों को नहीं बांध सकते हैं या तो आप अपने हाथ को इस तरह से बांध लें ये भी नहीं हो सकता है तो हाथ के बीच में रस्सी रुमाल कोई कपड़ा रख लें और पकड़ करके अच्छे से खींच दें जैसे ये योग मैट है छोटी सी मैं इसको यूं पकड़ के खींच लूंगा ऐसे भी आप कर सकते हैं तो कहीं भी जब भी स्थिति आपकी बनती है जहां पर उंगलियां आपकी पीठ के पीछे ना बच पाए तो आप इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं अब यहां से मैं अपने पीठ वाले हिस्से को सहारा दूंगा फिर धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर उठाऊंगा तो यहाँ तक की ये जो स्थिति है यह विपरीत करनी यानी कि अर्ध स्थिति है हमारी सर्वांगासन की

पैरों को दीवार पर रख करके धीरे धीरे ऊपर आ सकते हैं कुछ पे रुकने के बाद धीरे धीरे घुटनों को मोड़ना है सिर की तरफ लेके आएंगे और फिर पैरों को कोशिश करेंगे अपने सिर की तरफ से नीचे जमीन की ओर लेके जाने का यदि आपके पाँव जमीन की ओर ना आ पाए तो सिर्फ घुटनों को इस तरह से मोड़ के भी आप अभ्यास को कर सकते हैं ये स्थिति है हमारी हलासन की और उंगलियों को पीछे से बांधने का प्रयास करें नहीं बांध सकते हैं तो सीधे हाथ को खोल लें यह हाथ पे आप रुमाल जैसे कि मैंने आपको पहले बताया रुमाल रस्सी आपको पहले से ही पीछे रखनी है ताकि आपको उसको ढूंढना ना पड़े और इस स्थिति में ध्यान रखेंगे दोस्तों सिर को दाएं से बाएं बाएं से दाएं बिल्कुल भी ना घुमाएं ना सर्वांगासन में ना इस स्थिति पे हलासन में तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है नहीं तो आपके गर्दन से संबंधित आपको नुकसान होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं यहां पर कुछ क्षण रुकने के बाद आपने वापस से पीठ पे सहारा देना है और धीरे धीरे घुटनों को मोड़ते हुए कूलों को वापस से योग मैट की तरफ लेके आना है और फिर अपने पैरों को अच्छे से पकड़ करके अपने हृदय की तरफ खींच लें श्वास को लंबा धीमा गहरा छोड़ें आंखों को बंद कर लें मन मस्तिष्क को शांत रखेंगे चेहरे में मधुर सी मुस्कान लेके आए आप धीरे से अपने पंजों को जमीन की तरफ लेके जाएंगे यहां पर हम लोग अपनी हथेलियों को कूल के नीचे पे लेके आते हैं उंगलियों को अच्छे से फैला लेते हैं और फिर कोहनियों को शरीर के पीछे की तरफ ले जाते हैं एक दूसरे के आसपास लेके आते हैं हम लोग यहां पर मत्स्यासन की स्थिति जा पर जा रहे हैं जो कि पैरों की स्थिति हमारी बद्धकोणासन की होगी तो यहां पर क्या करना है आपको दोस्तों आपने को घुटनों को खोल लेना है पैरों के तलवों को पास में लेके आना है, दोनों को मिला लें एकदम से हथेली और कोनी पर दबाव बनाए और फिर अपने हृदय को ऊपर को उठाएंगे इस तरह से यदि इस तरह से ना उठ पाए तो पहले सिर को उठा लें कंधों को उठा लें सामने की तरफ देखें और फिर यहां से कंधों को पीछे लेके जाएं और हृदय को ऊपर को उठाएं। श्वास को भरें श्वास को छोड़ते हुए अपने सिर को पीछे जमीन की ओर लेके जाएं यदि नहीं जा सकता है तो शरीर को हल्का सा सरकाएं सिर की तरफ फिर सिर को लगाएं आपका जो शरीर का वजन है वो कोहनी और हथेली की तरफ बना रहता है मैं कोहनी को थोड़ा और अंदर कर लेता हूँ ताकि सहारा और अच्छे से बन जाए तो जैसे कि आपको बताया कि वजन है वो आपका हथेली और कोहनी की तरफ रहता है सिर पर आपका कोई भी वजन नहीं रहेगा इस तरह से हम लोग स्थिति बनाते हैं इस स्थिति में हमने दो आसन एक साथ किए एक तो मत्स्य आसन दूसरा है बद्धकोण आसन जो हमारे पाव की स्थिति है तो आपके दो आसनों से जुड़े हुए आपको लाभ मिलेंगे आपके आपके हार्मोनल को ठीक करता है और बद्ध स्टक जो हैं, उनको ये रिलीज करता है उनको खोलता है यहां से वापस आने के लिए सिर को हल्का सा उठाएं सिर के पीछे वाले हिस्से को जमीन की ओर लेके जाएं फिर घुटनों को ऊपर उठा लें और हथेली को कूलों के नीचे से बाहर निकाल दें आप उंगलियों को बाद हैं और हथेली को सिर के पीछे पे लेके जाएं कोहनी को फैला के रखें अपने पंजों को मिलाएं घुटनों को मिलाएं लंबा गहरा श्वास भरें श्वास को छोड़ते हुए दोनों घुटनों को अपने दाएं तरफ लेके जाएंगे और सिर को उठा करके बाएं तरफ घुमा देंगे अब चाहें तो आंखों को बंद कर सकते हैं और स्थिति का आनंद लें क्षण यहां पर रुकने के बाद श्वास को भरते हुए धीरे से घुटनों को ऊपर लाएंगे श्वास को छोड़ते हुए धीरे से घुटनों को बाएं तरफ 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 लेके 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 जाएं और और सिर को 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 जाएंगे आपने घुटनों नीचे की ले के जाना है और को एक दूसरे की ओर दबाना है और जमीन की ओर दबाते चले जाना है यानी कि ऊपर का पांव नीचे के पांव की तरफ दब रहा है और दोनों पांव खिसकते हुए नीचे जमीन की ओर जा रहा है एक अच्छा सा खिंचाव आप पेट और पीठ की तरफ लेके आएंगे श्वास को बढ़ते हुए धीरे से ऊपर आ जाएंगे अब यहां से आपने अपने हाथों को बगल की तरफ खोल लेना है और फिर एक एक करके अपने पैरों को सीधा कर देना पैरों के बीच में अच्छी खासी दूरी आपने बनानी है हाथों को भी खोल के रखना है ज्यादा चिपकाना नहीं है शरीर से हाथों की उंगलियों को हल्का सा मोड़ के रखें जम ढीला छोड़ देंगे पैरों को भी ढीला छोड़ देंगे पूरे शरीर को अब ढीला छोड़ दें आंखों को बंद रखेंगे ये स्थिति है हमारी शवासन की शवासन में कुछ क्षण यहाँ पे रुकेंगे और महसूस करेंगे कि किस तरह से आपका यह शरीर इस धरती से जुड़ा हुआ है अपने शरीर का वजन अपनी दरी योग में जिसका भी आप प्रयोग कर रहे हैं उसकी तरफ महसूस करें कि शरीर का जो निचला हिस्सा है किस तरह से ये इस धरती से इस योग मैट से जुड़ा है और ये वजन किस तरह से नीचे को जा रहा है और आपके शरीर का ऊपर का हिस्सा बहुत हल्का होता जा रहा है अपने मन मस्तिष्क और अपने आस पास शांति का अनुभव करेंगे कुछ चढ़ यहाँ पर रुकने के बाद आपने धीरे धीरे अपने पैरों को मोड़ना है और फिर अपने दाहिनी तरफ पलट जाना है दाहिनी तरफ जब आप पलटेंगे तो आपने दाएं हाथ को अपने सिर के नीचे पर रख लेना ताकि एक आपको तकिए तरह दाएं हाथ से सहारा मिल जाए घुटनों को अच्छा खासा मोड़ के रखें हृदय की तरफ और बाई हथेली को जमीन की ओर रखें कुछ चरण यहाँ पर आकर के रुकेंगे इस स्थिति में आपकी चंद्र नाड़ी जो चंद्रमा की जो हमारी ऊर्जा होती है जो हमें हमारे मन मस्तिष्क को शांत करती है उसे हम लोग इस स्थिति में जागृत करते हैं तो जब भी आप अपनी दाइनी करवट लेते हैं तो चंद्र ऊर्जा का जागरण होता है कुछ क्षण यहाँ पर रुकने के बाद स्थिति का आनंद लेने के बाद धीरे से हथेली पे दबाव बनाएंगे श्वास को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठ करके बैठ जाएंगे किसी भी सुखात्मक स्थिति में आकर के बैठ जाएं, मेरुदंड को सीधा रखेंगे हम लोग अंत में भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम के लिए आपने अपने पहली उंगली से दोनों कान को अच्छे से बंद करना है ताकि आपको बाहर की आवाज बिल्कुल भी ना आए और फिर अपना ध्यान अपने नाभि पे लेके जाना है और भौरे की गुंजन करते हुए अपने गले से आवाज कुछ इस तरह से आपकी आवाज आएगी तो इस तरह से आवाज आपने निकालनी है फिर दूसरा आपका ध्यान तो एक बार आपने आवाज निकालनी है नाभि प्रदेश पे ध्यान लगाना है फिर दोबारा आवाज निकालनी है अपने हृदय प्रदेश पे ध्यान लगाना है तीसरी बार आवाज निकालनी है फिर अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाना यदि यहां पर ध्यान लगाते हुए आपको ज्यादा इंटेंस एनर्जी महसूस हो तो अपना ध्यान निचले चक्रों की तरफ ही, रखे। ही रखें यानी कि नाभि और हृदय पर ही रखेंगे चलिए इस अभ्यास को मैं आपके साथ एक बार दोहराऊंगा और फिर आप इस अभ्यास को स्वयं से बढ़ा करके पांच से आठ बार तक कर सकते हैं तो यहां पे कान को हम बंद कर लेते हैं आंखों को बंद कर लेते हैं और ध्यान को ओर ले जाकर के बहरे की तरह गुंजन अपने गले से करेंगे अब अपना ध्यान हृदय पर लेके जाएं और गुंजन को अपने दोबारा गले से करेंगे आप अपना ध्यान अपने भावों के मध्य आज्ञा चक्र पे लेके जाएंगे तीसरे नेत्र की तरफ ध्यान लेके जाएंगे और दोबारा से गुंजन करेंगे अब धीरे से हाथों को नीचे ले आए और धीरे धीरे आंखों को खोल लें। तो यह था हमारा एक बार जिसमें हमने नाभी हृदय और चक्र पे ध्यान लगाया इसी को ही आप बढ़ा करके जैसे मैंने आपको बताया कि इसे आप पाँच से छह बार शुरुआत में कर सकते हैं बढ़ा के आठ बार तक जा सकते हैं तो ये थी हमारी पूरी श्रृंखला अभ्यास को प्रतिदिन कीजिए या फिर जब आपको आ, समस्या ज़्यादा लगे उस समय आप इस अभ्यास को कर सकते हैं अगर आपको अभ्यास बहुत ज़्यादा लंबा लगे अपने हिसाब से तो आप इस अभ्यास को तोड़ के भी आधा आधा कर सकते हैं आधा सुबह आधा शाम या फिर आधा आज और आधा कल करके कर सकते हैं आशा करता हूँ ये पूरा अभ्यास आपके लिए लाभप्रद होगा और इसी के साथ करता हूँ मैं इस वीडियो की समाप्ति नमस्कार